अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लो डायनेमिक्स, ये लेक्चर नंबर 6 है जिसके अंदर हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस डिस्कस करने। चलो बच्चों, लेक्चर का आगाज करते हैं। पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। इसमें बताया गया है कि एक टॉल बिल्डिंग से आप दो टेबल टेनिस बॉल्स को ड्रॉप करते हैं, एक के अंदर एयर है और एक के अंदर वाटर मौजूद है, तो बताओ कौन सा बॉल जो है वो पहले टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा और क्यों पहले वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के काबिल होगा। तो आंसर जो है वो बड़ा सिंपल सा इसका बच्चा, वन लाइन आंसर है कि जो बॉल एयर से फिल्ड है ना, वो पहले टर्मिनल वेलोसिटी को पहुंच जाएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन इसकी ये है बच्चों कि टर्मिनल वेलोसिटी का आप पहले फार्मूला तो देखें कि वी टी इज इक्वल टू 2 rho g r² / 9 eta। यहाँ से अगर बाकी सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट कंसिडर कर ली जाएं और वी टी को रॉ के साथ कंपेयर करें, खाली रॉ के साथ, तो बाकी तमाम चीज़ें हट जाएं, तो रॉ चूँकि न्यूमिनेटर में मौजूद है, कोई सा भी फैक्टर बच्चों जो न्यूमिनेटर में मौजूद हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ के। तो राइट हैंड साइड पे रॉ न्यूमिनेटर में मौजूद है, लिहाजा वो वी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वी टी भी उतनी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी जितनी कम वी टी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी कम। तो वो गेंद, वो बॉल जो एयर फिल्ड है, जिसके अंदर एयर फिल कर रखी है बच्चों, उसकी डेंसिटी कम है उसके मुकाबले में जिसमें पानी फिल किया हुआ है। जाहिर है जो वाटर है उस ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो बॉल की भी जिसमें वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और जो एयर वाला है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अब एयर वाले बॉल की डेंसिटी कम है, लिहाजा बच्चों उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम है, और अगर टर्मिनल वेलोसिटी कम है, लेस है, स्मॉल है, तो वो जल्दी अचीव हो जाएगी। लिहाजा जो एयर फील्ड बॉल है वो बेटा पहले टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है, वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहले पहुंच जाता है। आई होप के समझ आया होगा। नंबर टू पे चलते हैं बच्चों, ये भी इससे मिलता जुलता और टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर ही पूछा हुआ है हमसे सवाल। इसमें कहा गया कि एक स्क्वायरल है वो जंप करती है एक ट्री से ग्राउंड के ऊपर और उसे कोई डैमेज नहीं होता और वो नीचे जंप करते ही भाग जाती है, जबकि एक ह्यूमन अगर ऐसा करे तो अपनी हड्डियां तोड़ बैठेगा इस जंप में, तो इसकी वजह क्या है? वजह बच्चा ताल्लुक इसका टर्मिनल वेलोसिटी के साथ है। जो स्क्वायरल है वो अनडैमेज्ड जंप कर लेती है ब्रांच से ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि स्क्वायरल जो है वो ग्राउंड के ऊपर लो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ पहुंचती है। स्क्वायरल की टर्मिनल वेलोसिटी कम है जिसके साथ वो ग्राउंड के ऊपर पहुंचती है, कम स्पीड के साथ वो पहुंचेगी तो डेफिनेटली डैमेज भी कम होगा और वो फिर अनडैमेज, बल्कि इतना डैमेज कम होगा कि होगा ही नहीं और वो गिरते ही भाग जाएगी। लेकिन ह्यूमन जब फॉल करेगा तो ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी के साथ फॉल करेगा, ज़्यादा स्पीड होगी तो डैमेज ज़्यादा क्रिएट होगा और उसमें हड्डी टूट सकती है, बोन फ्रैक्चर हो सकती है। एक्सप्लेनेशन में यही कुछ लिखा है बच्चों, जो ड्रैग फोर्स होती है ना, जो कि स्पायरल हो या ह्यूमन हो, उसने ऊपर से नीचे ज़मीन के ऊपर गिरना है तो हवा में से गुजरता हुआ नीचे गिरेगा ना, तो इसका मतलब है एयर स्क्वायरल के ऊपर और ह्यूमन के ऊपर दोनों के ऊपर ड्रैग फोर्स लगाएगी, लेकिन ड्रैग फोर्स स्क्वायरल और ह्यूमन के ऊपर डिफरेंट लगेगी। पहले ये देख लें कि ड्रैग फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो बच्चों जो ड्रैग फोर्स है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर और सरफेस एरिया के ऊपर। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ना बच्चों, ड्रैग फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो स्क्वायरल के केस में स्क्वायरल की बॉडी चूँकि वो चार टांगों के ऊपर चलने वाली है, लिहाजा स्क्वायरल को देखें तो उसकी ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, वो ज़्यादा फैली हुई है, ज़्यादा एक्सपोज्ड है, उसका सरफेस एरिया टू एयर ज़्यादा एक्सपोज्ड है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगती है बच्चों। और ड्रैग फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। ऐसा ही होता है, स्क्वायरल की बॉडी ज़्यादा ओपन है, ज़्यादा एक्सपोज्ड है, उस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगती है, लिहाजा वो कम टर्मिनल वेलोसिटी के साथ ज़मीन के ऊपर पहुँचेगी, अनसेफ रहेगी, सॉरी सेफ रहेगी, अनडैमेज रहेगी, सेफ रहेगी और गिरते ही भाग जाएगी। उसके मुकाबले में ह्यूमन को देखें तो ह्यूमन चूँकि बाइपेडल है, दो टांगों पे चलता है, तो जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो ह्यूमन की बॉडी जो है वो लेस एक्सपोज्ड है टू द एयर। जब लेस एक्सपोज है टू द एयर, लिहाजा ह्यूमन के ऊपर ड्रैग फोर्स भी कम लगेगी, ड्रैग फोर्स कम लगेगी तो ह्यूमन ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी के साथ ग्राउंड के ऊपर पहुंचेंगे और ज़्यादा डैमेज हो सकता है ह्यूमन बॉडी को, जिसमें बोन फ्रैक्चर हो सकती है।
तो मेन चीज सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया की वजह से ड्रैग फोर्स का फर्क आता है, ड्रैग फोर्स के फर्क से टर्मिनल वेलोसिटी का फर्क आता है। नंबर थ्री पे बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी स्पीड के ऊपर, टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर ही हमसे पूछा गया है। एक पैराशूटिस्ट है, वो ओपनिंग ऑफ पैराशूट से पहले उसके टर्मिनल वेलोसिटी और होती है, और आफ्टर ओपनिंग द टर्मिनल, आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट उसकी टर्मिनल वेलोसिटी और होती है। हमसे पूछा गया है कि ये फर्क क्यों है, ऐसा डिफरेंस क्यों है, तो आंसर जो है वो वही जो ऊपर हम बात कर रहे थे ड्रैग फोर्स की, वही यहाँ पे भी लॉजिक है बच्चों। जो पैराशूटिस्ट है वो दो बार टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है, बिफोर ओपनिंग ऑफ पैराशूट एंड आफ्टर ओपनिंग ऑफ पैराशूट। तो बिफोर ओपनिंग ऑफ पैराशूट उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा है, आफ्टर ओपनिंग ऑफ पैराशूट उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम है, और इस डिफरेंस की, टर्मिनल वेलोसिटी में इस डिफरेंस की जो वजह है वो ड्रैग फोर्स है बच्चों। पहले ड्रैग फोर्स जो है वो और होती है, बाद में ड्रैग फोर्स जो वो और होती है, कितनी होती है हम बात करेंगे। तो जब ये फ्री फॉल हो रहा है, पैराशूटिस्ट टॉप टू बॉटम अपने आप को गिरा रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो पैराशूटिस्ट, ये पैराट्रूपर जो है वो दो बार टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा, एक बिफोर ओपनिंग ऑफ पैराशूट और एक आफ्टर ओपनिंग ऑफ पैराशूट। चले दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, बिफोर ओपनिंग ऑफ पैराशूट और उसके मुकाबले में आफ्टर ओपनिंग ऑफ पैराशूट। जब तक बच्चों पैराशूटर्स ने, पैराट्रूपर ने अपना पैराशूट ओपन नहीं किया बच्चों, तो उसकी कम बॉडी जो है वो एक्सपोज है टू द एयर, उसका कम रेडियस एक्सपोज है टू द एयर, लिहाजा चूंकि उसका लेस सरफेस एरिया एक्सपोज है, उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी कम लगेगी, ड्रैग फोर्स कम लगेगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी इस ज़्यादा होगी, क्योंकि ड्रैग फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आफ्टर ओपनिंग ऑफ पैराशूट की बात की जाए, तो आफ्टर ओपनिंग ऑफ पैराशूट जो पैराट्रूपर है उसका एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसकी अपनी बॉडी के साथ साथ पैराशूट भी ओपन हो गया है, उसका एरिया भी इंक्लूड हो गया है, तो अब टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया है, जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी और टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कम होगी। कम टर्मिनल वेलोसिटी के साथ पैराशूटर फिर ज़मीन के ऊपर पहुंचता है, लिहाजा दोनों तरफ फर्क है, बिफोर ओपनिंग ऑफ पैराशूट एंड आफ्टर ओपनिंग ऑफ पैराशूट टर्मिनल वेलोसिटीज का फर्क होता है, उसकी वजह सरफेस एरिया का एक पहले कम होना बाद में ज़्यादा होना, फिर उसकी वजह से ड्रैग फोर्स का पहले कम होना बाद में ज़्यादा होना, और उसकी वजह से टर्मिनल वेलोसिटी का पहले ज़्यादा और बाद में कम होना। आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है बच्चों नंबर फोर, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर है, तो सिंपल सा है ये भी, चलिए इसको स्टेटमेंट को देखते हैं। हमें बताया गया है कि आप वाटर को स्प्रेड कर सकते हैं ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर अगर आप अपने अंगूठे को रखें एंड ऑफ गार्डन होज, वो जो गार्डन होज है उसके एंड के ऊपर अगर आप अपना अंगूठा रखें तो आप पानी दूर तक फेंक सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, अनकवर्ड रखते हैं, तो पानी फिर करीब गिरेगा, और अगर आप होज के ऊपर, उसकी ओपनिंग के ऊपर अपना अंगूठा रखते हैं, थंब रखते हैं, तो पानी दूर जाके गिरता है। तो हमसे पूछा है कि एक्सप्लेन करो कि ये कैसे काम कर रहा है, ऐसा क्यों है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में इसका आंसर जो है वो छुपा हुआ है। तो जब बच्चों हम अपना थंब रखते हैं एंड ऑफ गार्डन होज के ऊपर, तो बेसिकली हम क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करते हैं, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा तो स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगा और वाटर जो है वो दूर तक गिर सकता है। एक्सप्लेनेशन में इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टू प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड स्पीड, किसी भी पॉइंट के ऊपर वो कांस्टेंट होते हैं, तो ए वी इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे हम वी को अलग कर लेंगे तो ए को राइट हैंड साइड पे ला के डिवाइड कर दें, तो कांस्टेंट डिवाइड बाय ए, तो यहाँ से अगर हम कांस्टेंट हटाएं बच्चों तो इक्वालिटी की जगह प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, और रिलेशनशिप बन जाएगा वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। इसका मतलब है जब ए में बच्चों डिक्रीज आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा, तो उससे वी के अंदर इंक्रीज आएगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमें इक्वेशन बताती है कि एरिया और जो स्पीड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जब हम थंब प्लेस करेंगे एंड ऑफ गार्डन होज के ऊपर, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा, और जिसके नतीजे में वाटर जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर आएगा और ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर
करेगा। ये नंबर फोर था बच्चों रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसके बाद बाकी रिड्यूस सिलेबस में फिट नहीं होते। और लास्ट के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10 है जो रिड्यूस सिलेबस में आता है, इसमें बताया गया है कि जो ट्रक है उसके टॉप के ऊपर विंड डिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं ताकि फ्यूल कंजप्शन को कम किया जाए, ताकि जो इंजन है ये गाड़ी है वो कम तेल ये कम फ्यूल इस्तेमाल करे। तो हमसे पूछा गया है कि ये कैसे विंड डिफ्लेक्टर्स ये काम कर लेते हैं और कैसे वो फ्यूल कंजप्शन को रिड्यूस करते हैं। तो वन लाइनर आंसर देखें बच्चों, पहले तो जो विंड डिफ्लेक्टर है बच्चों वो फ्यूल कंजप्शन को रिड्यूस करते हैं क्योंकि वो जो ट्रक है उसको स्ट्रीम लाइन फ्लो देते हैं, स्ट्रीम लाइन शेप दे देते हैं। ट्रक को जब स्ट्रीम लाइन शेप या स्ट्रीम लाइन फ्लो मिलता है तो उससे ड्रैग फोर्स कम होती है। जब ड्रैग फोर्स ट्रक के ऊपर कम होगी तो इसका मतलब है ट्रक के ऊपर फ्रिक्शन कम हो रही है। जब फ्रिक्शन कम हो रही है तो डेफिनेटली फ्यूल कंजप्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा फ्रिक्शन हो तो गाड़ी के इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि उसने आगे भी बढ़ना है और फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना है। लेकिन जब फ्रिक्शन ही कम हो गई है तो इंजन को भी कम काम करना पड़ेगा और फ्यूल कंजप्शन भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन में इसी चीज़ को हम ऐड करेंगे बच्चों। तो विदाउट विंड डिफ्लेक्टर्स और विद विंड डिफ्लेक्टर्स हम चीज़ों को देखेंगे। पहले विदाउट विंड डिफ्लेक्टर की कंडीशन देखते हैं। जब जो सरफेस एरिया है वो लार्ज हो, फ्लैट हो ट्रक का, तो इसका मतलब है ऊपर से ट्रक जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ भी मूव कर रहा है तो उसको ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक का जो फ्रंट है वो फ्लैट है, सरफेस एरिया ज़्यादा है और ड्रैग फोर्स भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ट्रक के इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस और फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी ट्रक के ऊपर विंड डिफ्लेक्टर्स लगा दें तो विंड डिफ्लेक्टर्स जब टॉप के ऊपर लग जाएंगे उस ट्रक के तो उसको स्ट्रीमलाइन शेप मिल जाएगी, जिसकी वजह से एयर जो है वो उस जो विंड डिफ्लेक्टर है वहाँ पे स्लिप हो जाएगी, ट्रक के ऊपर स्ट्रेट नहीं पड़ेगी बल्कि साइडों के ऊपर स्लिप हो जाएगी स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से। अब ड्रैग फोर्स रिड्यूस हो चुकी, फ्रिक्शन रिड्यूस हो चुकी, अब ट्रक के इंजन को कम काम करना पड़ेगा, लिहाजा अल्टीमेटली जो फ्यूल कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें बच्चों। वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करना है ताकि तमाम बच्चों का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।